गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी क्लास में आपका वेलकम है। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको मित्रता पाठ पढ़ाया और उसके क्वेश्चन आंसर, किसने किससे कहा, अपोजिट वर्ड, ये सब करवाए आपको एक्सरसाइज, ठीक है। अब आपका लिटरेचर का कोर्स फिनिश हो गया है। अब मैं लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ आपको, वर्तिका। बच्चों, टेक आउट वर्तिका। वर्तिका देखिए, वर्तिका में पेज नंबर 27 पर देखिए बच्चों, वचन दिया है, वचन, ठीक है। आज मैं ये लेसन आपको पढ़ा रही हूँ, वचन, ठीक है। वचन किसको कहते हैं बच्चों? वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, और वचन जो है हमें ये बताते हैं कि संज्ञा के बारे में, कि संज्ञा एक है कि बहुत सारी है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं, जिस शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह एक है या अनेक, तो उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर, एक कली, दो कलियां, एक फूल, चार फूल, एक गेंद, तीन गेंदे, एक चिड़िया, चार चिड़ियाएं, एक ताला, चार ताले, एक आदमी, दो आदमी। अब बच्चों, जो ये पिक्चर्स बनी है उसमें देखिए, यहाँ पर एक बने, यहाँ पे दो बने, यहाँ पे एक बने, यहाँ पे फोर बने, है ना। तो ये जो एक है बच्चों, ये एक वचन है, और जो जो दो हैं, फोर चार हैं, है ना बच्चों, ये क्या है, ये बहुवचन है, ठीक है। अभी हम नीचे आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक अनेक का भेद बताए, ऐसे शब्द वचन कहलाएं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अनेक के बारे में जो बताते हैं वो शब्द हमें वचन के बारे में बताते हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर हम उनकी संख्या का पता लगा सकते हैं, वचन, नंबर। शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, है ना बच्चों। अभी जैसे हमने आपको समझाया कि वचन उसे ही बोलते हैं जिससे हमें संख्या का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। वेरी सिंपल, और आपको समझ में भी आ रही होगी। पेज टर्न करेंगे। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 28 पर वचन के भेद, वचन के भेद में देखिए क्या लिखा है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। आप देखिए, एक वचन और बहुवचन के बारे में, जहाँ अब यहाँ पर बना है, एक तितली बनी है बच्चों, और इधर कितनी बनी है, बहुवचन में, बहुवचन में तीन तितलियां बनी है। तो ये हम, ये क्या है, बहुवचन है। एक वचन, सिंगुलर नंबर। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तितली, गिलहरी, पुस्तक आदि। हाँ, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि शब्द से, शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह एक है, या वस्तु है, या प्राणी है, जो भी है बच्चों, अगर वो एक है तो उसे हम एक वचन कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, तितली, गिलहरी, पुस्तक आदि, ठीक है। बहुवचन, प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तितलियां, गिलहरियां, पुस्तकें आदि। अब बहुवचन किसे कहेंगे बच्चों? हमें जिस शब्द से ये पता चलता है कि वह एक से अधिक चीजें हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्राणी हो, कोई भी चीज हो, हाँ, तो अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगी? बहुवचन, और उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, तितलियां, गिलहरियां, एक तितली नहीं है, यहाँ पे कई सारी तितलियां हैं, तो ये क्या है? बहुवचन। एक गिलहरी नहीं है, बहुत सारी गिलहरियां हैं, दो तीन चार जितनी भी है गिलहरियां, ठीक है। पुस्तकें, हाँ, एक पुस्तक नहीं है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, इसलिए ये बहुवचन कहलाएंगी, ठीक है। और हमें इनको देख करके ही पता चलता है शब्दों को कि ये एक वचन का है कि बहुवचन का है, ठीक है। आप देखिए नीचे, एक कुछ एक वचन और बहुवचन दिए हुए बच्चों। एक वचन, बहुवचन, नदी, नदियां, रोटी, रोटियां, रानी, रानियां, गाय, गाय, आंख, आंखें, हमें
हमेशा बहुवचन वाले शब्द में बच्चों बिंदी आ जाती है और छोटी की मात्रा जहाँ बड़ी की मात्रा होती है वो छोटी की मात्रा कन्वर्ट हो जाती है बहुवचन में और चंद्र बिंदु आ जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आपने पढ़े अभी, नदियां, रोटियां, रानियां, गायें, आंखें, ठीक है। और यहाँ देखिए पत्ती, पत्तियां, माता, माताएं, कुत्ता, कुत्ते, केला, केले, घोड़ा, घोड़े, ठीक है। तो ये आपका एक वचन और बहुवचन चैप्टर हो गया बच्चे, ठीक है। अब आपको हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम वचन की परिभाषा बताएंगे। शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। अब हम रिटन वर्क आपको देंगे, उससे पहले आप लैंग्वेज में लैंग्वेज कॉपी में निकाल करके उसमें आप हिंदी सिलेबस डाल के लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेकेंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस डालेंगे, ऐसे सेकेंड यूनिट टेस्ट हिंदी लैंग्वेज, ओके बच्चों। ये फ्लावर बना लेंगे, आप कोई भी फ्लावर बना लेंगे। फिर उसके बाद नंबर वन वचन, नंबर टू सर्वनाम, ठीक है। ये डाल करके आप ऐसे लैंग्वेज की कॉपी में लिखेंगे बच्चों, लैंग्वेज की कॉपी में,